गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का मेरा YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम आप लोगों के बीच हर रोज की तरह गणित की कोई समस्या और उसके समाधान को लेकर के नहीं आया हूं, बल्कि मोबाइल कंप्यूटर और लैपटॉप में जो मेमोरी होता है, उस मेमोरी में जो प्रयोग होता है डाटा, उस डेटा के बारे में जानकारी देने के लिए आप लोगों के लिए यह वीडियो में बना रहा हूं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आ जाएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको लगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो दोस्तों, यहां पर देखिए, हम लोग तो यहां क्या लिखे, बीट बाइट केबी एमबी जीबी टीबी, ये सारा क्या है कि मोबाइल में जो स्टोरेज होता है ना, मेमोरी जो होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी कुछ इंस्ट्रक्शन पहले से कुछ डेटा रहता है जो कम रहता है, और सेकेंडरी मेमोरी में ज़्यादा रहता है। इसे मोबाइल में आप 4/64 सुनते हैं, 4 GB रैम और 64 GB एक्सटर्नल और इंटरनल समझते हैं। तो इंटरनल मेमोरी जो होता है वो प्राइमरी में आ गया, और एक्सटर्नल जो बोल रहा है वो सेकेंडरी में हो जाता है। तो सेकेंडरी में ज़्यादा डाटा का एंट्री अपना सेकेंडरी में होता है, और प्राइमरी में कम होता है जिसमें रैम और रोम आता है, उसमें ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसमें जो डाटा एंट्री करते हैं, यानी कोई भी चीज़ हम इनपुट में देते हैं, मोबाइल में वीडियो बनाते हैं या लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई फाइल बनाते हैं, फोटो खींचते हैं, कोई लेटर तैयार करते हैं, तो ये सारा डाटा जो मोबाइल में रहता है या कंप्यूटर में रहता है या आपका टैबलेट में या आपका लैपटॉप में रहता है, तो वो रहता है किसके रूप में, इसी के रूप में। ये जो आपको लिख रहे हैं इसी के रूप में रहता है। तो दोस्तों, आइए आपको मैं फुल फॉर्म बताता हूँ। सबसे पहला फुल फॉर्म आपको मैं केबी का बतलाता हूँ, ठीक है। पहले एडवांस केबी को बतलाता हूँ। तो ये केबी बराबर मतलब क्या हुआ, तो केबी बराबर हो गया किलो किलो बाइट, एक साथ लिखिए किलो बाइट, और किलो बाइट को दशमिक सिस्टम से, यानी हम लोग दो तरीका से संख्या को लिखते हैं, एक दशमिक और एक बाइनरी, है ना, द्विआधारी संख्या, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम में दो ही डिजिट का प्रयोग होता है, दशमिक में 10 डिजिट का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर किलो बाइट हो गया, तो दशमिक पद्धति में इसमें 1 KB बराबर हो जाएगा 10^3 bytes, 3 bytes के कलेक्शन को, इतना बाइट्स के कलेक्शन को 1 KB कहेंगे, और ये होगा हमारा 1000 क्या होगा, बाइट्स, 1000 bytes हो गया, ठीक है, 1000 bytes हो गया। अब आ जाइए आपको केबी के बाद, अब आ जाइए आपका क्या है, एमबी मतलब मेगा बाइट। मेगा बाइट का मतलब हो गया दशमिक सिस्टम से 10^6 bytes, इतने बाइट्स का कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, 1 MB कहेंगे, और इसी को लिखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 मिलियन बाइट्स का कलेक्शन को हम लोग 1 MB कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अभी आप वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा, आप कहेंगे कि सर आप गलत बता रहे हैं, 1000 MB, 1000 KB, 1000 KB, 1000 KB बोलिए, या 1 मिलियन 1 KB बोलिए, या 1 मिलियन आप बाइट्स बोलिए, दोनों सेम है। अब आ जाइए आप जीबी में, कहां पर आ गए, जीबी में, यानी जीगा बाइट में। तो जीगा बाइट में दशमिक पद्धति में 10^9 bytes होगा, इतना बाइट्स हो गया। अब यहां पर लिखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो देखिए इतना बाइट्स आपका कलेक्शन के रूप में आ जाएगा, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 MB, 1000 MB जो है आपका, को हम लोग कहेंगे कितना, 1 GB, ठीक है। यानी यहां पर क्या हो गया, 1 बिलियन बराबर 1 बिलियन बाइट्स को हम लोग कितना कहेंगे, 1 GB कहेंगे, 1 बिलियन बाइट्स।
और हिंदी में हम लोग अगर बोलेंगे, हम लोग भारतीय मान स्थानीय मान तालिका के हिसाब से इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ अरब, यानी एक अरब बराबर हम लोग का कितना हो गया, एक अरब बाइट्स को मिला देंगे तो एक जीबी बनेगा, और जीबी के बाद आपको लास्टली यहां पर देखिए टीबी यानी टेरा बाइट का मतलब हुआ 10 पर पावर 12 बाइट्स। इतने बाइट्स के कलेक्शन को हम एक टीबी कहते हैं, कितना, एक टेरा बाइट्स यानी कि 10 पर पावर 12 बाइट्स की संख्या, यानी 1 हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इतना बाइट्स को ले लेंगे, इतना बाइट्स का कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, एक टेराबाइट या 1 ट्रिलियन कहेंगे, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, और भारतीय के हिसाब से इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ अरब दस अरब खरब दस खरब, 10 खरब बाइट्स की संख्या को हम लोग कितना कहेंगे, एक टीबी कहेंगे, और इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 1000 जीबी बराबर एक टीबी होता है। अभी मैं आपको इसको मतलब दशमिक सिस्टम में बता रहे हैं, पहले बता दिए, वीडियो को छोड़ के जाइएगा नहीं तो बोलिएगा गलत बता दिया। फिर आगे चलिए, आगे देखिए, अब आपको बाइट को समझना है, अब क्या समझना है आपको बाइट, बाइट क्या है, तो बाइट का डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज नॉन एज अ बाइट, यानी 8 बिट के ग्रुप को क्या कहते हैं, एक बाइट कहते हैं, या आप इसका एक और डिफिनेशन ले सकते हैं, एक वन बाइट इज अ सीक्वेंस ऑफ 8 बिट्स, 8 बिट्स के सीक्वेंस को 1 बाइट कहा जाता है, यानी 1 बाइट कहा जाता है। तो अब आपको बीट पहले समझ लेना होगा, सबसे छोटा यूनिट है डेटा का, सबसे छोटा यूनिट आपका बीट हो गया, तो बीट को कह सकते हैं अ बीट यानी बाइनरी डिजिट, मतलब क्या हुआ, बाइनरी डिजिट में हम लोग को आता है 0 और 1, ये बाइनरी हुआ, डिसिमल में 0 से 9, 10 डिजिट, इसमें 2 ही डिजिट लेते हैं बाइनरी डिजिट में, ठीक है, इज द स्मॉलेस्ट यूनिट डाटा, जो भी कंप्यूटर लैपटॉप में जो डाटा डाला जाता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट डाटा जो है वो बिट है, सभी मतलब जो डाटा का इंफॉर्मेशन में जो हम लोग डालते हैं वो किसमें, बिट से बाइट बना, बाइट से केबी बना, फिर एमबी बना, फिर जीबी बना, फिर टीबी बना, यानी सबसे छोटा यूनिट, यानी ये 0 और 1, ये 0 और 1 का कलेक्शन करके बिट बनता है। तो आपको मैं बतला दूं कि बाइट में 0 की संख्या आपको कितना, ये हम लोगों ने बोला कि 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 हुआ, 1 भी लेंगे तो भी 8 होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसको भी लिखने के लिए 2 पर पावर 8, इसको भी 2 पर पावर 8, 256 और ये 256 हो गया, यानी कोई भी बाइट बनाने के लिए जो बाइनरी डिजिट लीजिएगा उसको 256 तरीका से आप सजा सकते हैं, यानी सीक्वेंस बना सकते हैं, इसका ये दोनों बाइनरी डिजिट का जो सीक्वेंस बनेगा वो कितना बनेगा, 256 तरीका से, और वो 256 तरीका से बनेगा, और उसके बाद जो ये बाइट बना यही बाइट अब यहाँ आएगा। तो दोस्तों मैं अभी आपको मैं क्या बतलाया कि आपको मैं बतलाया क्या कि ये सब आपका डिसीमल सिस्टम में है, और कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो प्रयोग होता है वो द्विआधारी संख्या यानी बाइनरी नंबर होता है। अभी इसका आधार बेस 10 था डिसिमल में, अब द्विआधारी में आधार कितना होगा, 2 होगा।
आधार कितना होगा? 2 होगा, और 2 पर पावर 10 बाइट्स को हम लोग जो इसमें कहा गया है, इतने बाइट्स को 1 KB एक्चुअल में कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर तो हमको बाइनरी सिस्टम को मानना है, ये दार्शनिक को नहीं मानना है, लेकिन दोनों में कन्फ्यूजन को आपको मैं दूर कर रहा हूँ। इसी को आप गुना कीजिएगा 2 को 10 बार, तो आपको आएगा 1024, और 1024 बाइट्स को, यही बाइट्स आपका क्या हो गया, इतने बाइट्स के कलेक्शन को 1 KB कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो 1000 बाइट लिखे हैं और यहाँ पर 1024 कहे हैं, यानी यहाँ 24 जो है उसको आपको इग्नोर करना पड़ रहा है। तो 24 बाइट को इग्नोर करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आगे देखिए, एक्चुअली में आपको जब प्रश्न पूछेगा 1 KB बराबर, तो आपको लिखना है 1024 बाइट, 1000 बाइट नहीं लिखिएगा, क्योंकि वो डिसिमल सिस्टम में है और कंप्यूटर जो है वो बाइनरी सिस्टम में काम करता है, तो बाइनरी सिस्टम वाले को आपको लिखना है। दोस्तों इसी प्रकार से आप आ जाइए, इसमें जब जाइएगा तो 10 पर पावर 20 बाइट्स आपको बाइट्स आएगा। इसको जब गुना कीजिएगा, ये जो आप गुना कीजिएगा, तो आएगा आपका 10, 4, 8, 5, 7, 6, ये किस में आ गया, बाइट्स आ गया। इसी को जब आपको केबी में बदलना होगा, तो ये 10 इसको आपको डिवाइड कर देना होगा, कितना से, 10 24 से डिवाइड कीजिएगा, तो 10 24 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, इसका भाग फिर से कीजिएगा 10 24 से, तो आपका रिजल्ट फिर वही आएगा 10 24, क्योंकि 10 24 को 2 बार गुना करने के बाद ये आया है, तो इतना ही आएगा। तो इतना केबी को हम लोग क्या कहेंगे, 1 MB कहेंगे, यानी 10024 केबी बराबर कितना हुआ, 1 MB हुआ। अब देखिए ये केबी 24 KB थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोड़ने के लिए, इग्नोर करने के लिए यहाँ कितना हमको 24 KB इग्नोर करना पड़ रहा है, यहाँ किसमें हमको बाइट को इग्नोर करना पड़ रहा है, छोटा को इग्नोर करने से हमको दिक्कत नहीं था, फिर यहाँ बड़ा इग्नोर करना पड़ रहा है। उसके बाद आगे देखिए, ये जीबी में चले जाइए, ये जीबी में, ये तो इधर वाला है, ये इधर वाला है, अब जीबी में जाइए, तो जीबी को लिखिएगा तो 2 पर पावर, यहाँ 20 था तो यहाँ पर हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, और इसको जब गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 10 73, उसके बाद फिर 74, फिर 1824 बाइट्स। इतने बाइट्स के कलेक्शन को क्या कहेंगे, इतने बाइट्स के कलेक्शन को हम लोग कहेंगे 1 GB, ठीक है, 1 GB। अब आपको इतना बाइट से जब आप डिवीजन कीजिएगा तो इसका भी 1024 आएगा, तो इसी को हम लोग अगर लिखेंगे तो 1024 क्या लिखेंगे, MB लिखेंगे। सब आप उसी तरह करके देखिए, यानी इसका भी जो द्विधारी नंबर यानी बाइनरी सिस्टम में जो होगा उसमें उसके आधार पर 1024 MB बराबर 1 GB होगा। उसी प्रकार टेरा बाइट में अगर लीजिएगा तो यहाँ टीवी में जब लीजिएगा तो टीवी में क्या होगा कि 10 पर पावर कितना होगा आपका, 40 होगा। इसको गुना कीजिएगा तो 10 99 5 11 1 6 2 7 7 7 6, इतने बाइट्स के कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, जीबी कहेंगे, टीबी कहेंगे, 1 TB, और इसी को हम लोग कितना लिखेंगे, 1024 GB लिखेंगे। 1024 GB बराबर 1 TB होता है। बताइए यहाँ 24 GB को आपको इग्नोर करना पड़ रहा है, इसके बाद चाहिएगा तो आपको 24 TB को इग्नोर करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ी डेटा को इग्नोर करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों हम लोगों का सही जो होगा कंप्यूटर के हिसाब से सब जगह 1024 होगा, यानी 1 KB बराबर 1024 बाइट्स होगा, 1 MB बराबर 1024 क्या कहते हैं केबी होगा, 1 GB बराबर 1024 MB होगा, और 1 TB बराबर 1024 क्या होगा हमारा, जीबी होगा। यानी इसको लिखिएगा तो केबी का लिखिएगा, केबी का अगर आप लिखिएगा, केबी इज अ कलेक्शन
कलेक्शन ऑफ अबाउट 124 बाइट्स, ठीक है, ये के भी का हो गया। उसी प्रकार एमबी का लिखिएगा तो एमबी इज अ कलेक्शन ऑफ अबाउट, यहां पर आप लिखिएगा तो कितना बाइट्स का, 10 4 8 5 7 6 बाइट्स, और आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं इतना बाइट्स लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 1024 क्या होगा, केबी होगा। इसी प्रकार से आप डेटा का इंफॉर्मेशन हो गया। तो दोस्तों ये था आपका कंप्यूटर लैपटॉप और या आप कह सकते हैं मोबाइल में जो डेटा रहता है उस डेटा के इंफॉर्मेशन। देखिए टीवी आपको मोबाइल में नहीं मिलेगा, ये लैपटॉप और कंप्यूटर में मिलेगा, टैबलेट और मोबाइल में आपको जीबी एमबी केबी यही मिलेगा देखने को। तो दोस्तों जानकारी कैसे लगा कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा, इस प्रकार का और वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन पर उसे भी लिख दीजिएगा। अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों को दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।